अब जात धर्म त्योहार वगैरह कुछ नहीं है, बेमतलब की चीज है। ए, ए चेंडी, चुप। अरे चुप हो जा, चल इधर इधर आ, आ इधर। शाबाश, क्यों भौंक रहा था बे? हैं, क्यों भौंक रहा था? ये ले, ये बिस्कुट का। अबे बिस्किट क्या? बिस्कुट नहीं खाएगा साला नवाब कहीं का? ये ले बिरयानी खा, तेरे लिए बिरयानी लाया हूँ। हाँ, वो ईरानी होटल से मिली है। ये फुटपाथ पे रहने वालों के भी ठाट है, क्या जाने ये घर चौखट वाले। हाँ खा, तू खा साले। ये धर्म वर्म ये जात पात सब छूट चुका है फुटपाथ पर आकर। त्योहार भी अब वो अच्छे है जिसमें ज्यादा भीख ही मिल जाए। जिस खुदा की बस्ती जाओ उसी के नाम से मांगो और वहीं छोड़ आओ। अपना खुदा तो फुटपाथ पर अपने साथ ही सोता है। चाट मत, चाट मत साला, आज चाटेगा कल काटेगा, तीसरी बार काट चुका है मुझे। ऐसी कौन सी बदबू आती है तुझे मुझमें? हैं साला, सोता भी तो मेरे साथ है, लात भगाता हूं इसे, पर पता नहीं रात को कब आके सो जाता है मेरे साथ। ओ बीकू बोला मेरे को कि जाके इंजेक्शन लगवा के आ, नहीं तो टांग काटनी पड़ेगी। अरे कौन, प्यार है, प्यार है ना, मैंने बोला उसको प्यार है अपना। अब उसकी बीवी काटती है तो क्या इंजेक्शन लगवाता है? पर ठीक है, चलता रहता है। वैसे टांग कटी थी तब अस्पताल में बीकू साथ में ही था, बेहोश किया था, होश में आने के लिए पूरा दिन लग गया। होश में आया तो बहुत रोया, पूरे 25 दिन रखा था अस्पताल में, 25 दिन आ गया। हाँ, 25 दिन तक ये साथ में रहा था, मतलब अस्पताल के बाहर। थोड़ा अजीब जानवर है, प्यार भी करता है, काटता भी है। मादक चोर शेंडी, उस दिन भी यही हुआ था जब भीकू मरा था। रात को उठा था पेशाब करने के लिए, सड़क के पार जा रहा था, उधर से गाड़ी आई बहुत तेज, उड़ा दिया। गिरा जब ऊपर से चली गई, रोका भी नहीं साले ने। म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई और ले गई। मैं कुछ नहीं बोला, और क्या करता, क्या करता, कौन जाता पुलिस में? और फिर लाश लेकर जलाता कौन? म्युनिसिपालिटी की गाड़ी ले गई उसे, ऐसे ही जैसे शेंडी को ले गई घसीट कर। फुटपाथ की जिंदगी साली ऐसी है, ये फुटपाथ पे रहना अब मुश्किल है दोस्त। सोचता हूं ये फुटपाथ ही बदल लो। पहले था अब शर्म लिहाज नहीं लोगों में, ना पहले सी दुनियादारी। वो भी दिन थे जब आस पड़ोस से पूछ लिया करते थे अगर कोई भूखा ही सो गया तो। अब तो जेबें कट जाती है सोते में, और तो और सिर के नीचे रखे जूते भी चोरी हो जाते हैं। अब इस फुटपाथ पे रहना मुश्किल ही है। मैं जब इस शहर में आया था तो 8 आने लेता था इस पाड़े का दादा, और दुहन्नी हफ्ते का वो वर्दी वाला। इतनी भीड़ भी ना थी, भिकमंगे भी कम थे, हाँ धंधे वाले लोग थे सारे। ओ हमाल था कोई, पनवाड़ी कोई,
ईरानी होटल के कुछ लौंडे थे, आकर सो जाते थे। फोकट के नारे लगवाने वाले वो नेता लोग नहीं थे, पहले के जो नेता थे ना वो बाटा के जूतों जैसे थे, सालों साल चलते थे। अब तो साला आया और गया, सब कचर पट्टी। मेरे दिनों में औरत जात मुल्क में रख के आते थे मजदूरी करने। अगर कोई बेटी या बुढ़िया आ जाती तो सब इज्जत से देखते, कोई लफड़ा ना था। अब तो साला फुटपाथ में रहने पे भी रिस्क बहुत है। जब से ये हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने की रीत चली है सियासत में, पहाड़े के दादा भी आकर धर्म पता कर जाते हैं। किस साले को धर्म पता है यहाँ? अरे याद कहाँ है? कब से साला कितना टाइम हुआ अपने को, जब से एक्सीडेंट में टांग कटी थी साली, ट्रक वाला एक पीकर चढ़ाया था फुटपाथ पर, मील की नौकरी चली गई, तब से ये बैसाखी लिए और झाड़न बेचकर टैक्सी धोकर दिन कटते हैं। चलो फुटपाथ पे रहना अब मुश्किल है, सोचता हूँ फुटपाथ ही बदल लूँ। छोड़ गया ये फुटपाथ आखिर झुमरू लंगड़ा, चौपाटी के पुल से कूद कर उसने अपनी जान दे दी है। ए! लगता है मर गया साला। इस फुटपाथ पे रहना भी अब मुश्किल है क्या? सोचता हूँ मैं भी साला फुटपाथ बदल ही दूँ।